ने हिंदू मुसलमान करने की पराकाष्ठा कर दी। अभी के शर्मा जी झूठों के सरदार निकले, कह रहे हैं कि साहब एक फतवा आया था। काहे को आप तो झूठ बोल रहे हो, अब आप तो झूठ बोल रहे हैं, झूठे आप। नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा जा रहा, इसीलिए कह रहा हूँ। अब हम आपको बता, भूपे काली टूट गई है ना मुसलमानों ने पोती है। अगर अगर मानक भाई ये शो आपका है, केके शर्मा है? ये कितना परेशान हो जाते हैं बेचारे। स्वार्थ की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। तो विद्वान व्यक्ति हैं, और मुझे एक बात की खुशी हुई कि कम से कम केके शर्मा जैसे नफरती भाई भी हमारे संवाद को सुनते हैं। और अभी आप देख रहे हैं, मुझे तो आज आश्चर्य हुआ, अभी शिवसेना के अंदर से उठ रहा है कि भैया तुम ये कर लो। ये आप ही लोग न्यूज चला रहे हैं, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये आप लोग की न्यूज चैनल की न्यूज बता रहा हूँ, मेरे दिल की बात बता दी। तो यदि ऐसी एकता है तो इनको मुबारक, मुझे प्रसन्नता है। अच्छा ठीक है, लेकिन जनता के बीच में क्या चीजें सामने जा रही वो देखने लायक है। अच्छा ठीक, ये मेरे डिमक वाले की बात है, टेरे साहब बट डिमक को समझ का अंडर नहीं आएगा। मुझे क्या तू रुलाएगा, बस कर पगले बस कर। एक हारी हुई बाजी आप लड़ रहे हैं, लोकसभा में हारे, हालांकि बीजेपी को नीचे ले आए, हरियाणा हार गए, अब महाराष्ट्र भी हार गए। मान लीजिए चुनौती इतनी बड़ी है कि प्रियंका गांधी अकेले कैसे कर पाएंगे? अभी बड़ा मसला है मानक भाई, आपको झारखंड की जीत नहीं दिख रही, आपको हम लोग 100 सीटें हो गए हैं, कहां 44 पे थे वो नहीं दिख रहे, आपको जम्मू कश्मीर की जीत नहीं दिख रही। नहीं नहीं अभी और सुनिए, आपको मोदी जी और अडानी जी के संपर्क संबंध नहीं दिख रहे हैं, आपको मुंबई का बेचा जाना नहीं दिख रहा है, आपको कह रहे हैं हाँ ये तो बात सच है कि संकट की घड़ी है, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, लेकिन ये बात अपने आप में सच है कि संकट की घड़ी देश के लिए है, मेरे लिए है, आपके लिए है, राजकिशोर जी को मैं विशेष रूप से कह रहा हूं, सब लोगों के लिए है, पत्रकारों के लिए बहुत विशेष रूप से। गजब बेइज्जती है। आपको मैं बता दूं, संकट की घड़ी में तो संकट में तो देश है ही, इसको तो लेकर के कोई दो राय नहीं। आज की डेट में 84 रुपए में डॉलर मिल रहा है, आज की डेट में जो परिस्थितियां बनी है कि बेरोजगारी की दर दुनिया में सबसे ज्यादा है। सारे मुद्दे उठा चुके हैं आप, ये वाले बीच में ना वाले महाराष्ट्र में। ओहो, आपके साथ मानक भाई बड़ा मसला है, अगर आप सारे मुद्दे उठा चुके और अडानी जी ने अगर महाराष्ट्र जिता दिया है, झारखंड हम जीत गए हैं, तो उसके बाद क्या मुद्दे खत्म हो जाएंगे? अडानी जी ने कैसे जिता दिया, कमाल करते हैं आप, स्वीकार कर लीजिए जनादेश है। तुम्हें कैसे पता चला, अरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पता चला होगा। इस आप जनादेश का अपमान करते हैं जब आप ये कहते हैं। अब ये के शर्मा जी को कहने दीजिए, आप तो हमारे मत और उनके मत को दोनों को कहिए ना। आ बैल मुझे मार, दिस इज मीडिया। ये ना जनादेश का अपमान अगर हो रहा तो के शर्मा जी बतावे ना कि कई गांव में ऐसी परिस्थितियां जहां 70% लोगों ने खुद कह रहे हैं आगे बढ़ करके कि वोट हमें दिया है और वहां पर शून्य वोट निकल रहे हैं, या भी लोगों की रिपोर्ट आ रही है, मैं थोड़ी कह रहा हूं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी वाह वाह वाह। मेरी आप बात को समझिए जाकर के, मैं इधर उधर की बात नहीं करता, मैं महाराष्ट्र की बात करने के लिए आया भी नहीं। नहीं नहीं अरे सुनिए, नहीं नहीं बहुत सही है, क्योंकि आप तो महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी का वहां पर मोर्चा संभाले हुए थे ना मीडिया की तरफ से, आप बता दीजिए फिर, आप ही बता दीजिए फिर। आपने मेरे दिल की बात बता दी। क्यों उद्धव ठाकरे पार्टी का कोई भी प्रवक्ता शिवसेना का डिबेट्स में शामिल नहीं हो रहा है, क्यों उन्होंने चुप्पी साधी हुई है, क्यों उनके अंदर से आवाजें उठ रही है कि भैया एकला चलो, छोड़ दो ये इंडिया गठबंधन और एमबीए छोड़ दो। ये आपको पता नहीं कहां से खबर है, मुझे नहीं पता, लेकिन कैसी लगी आगे स्वाद। और अच्छा होना चाहिए, आज की डेट में आपके पास कोई सिंधी शिवसेना का आ रहा है क्या? हमारे हमको तो आप कह सकते हो नहीं आ रहे हैं सत्ता में, नहीं तथ्य कल भी आए थे, आज हमने बुलाया नहीं। सही बात है, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आज की डेट में वो लोग भी तो बेचारे बड़े परेशान है, वो क्या बनेगा, कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा। मसला यहाँ पर आज की डेट में देश का सवाल है, देश के सवाल पर देश खतरे में है, इस बात को मैं सहमत हूँ, और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये माना कि संकट के समय में प्रियंका गांधी जी संसद में आई। सर क्या क्या बात, ये बात है। अरे और प्रियंका गांधी जी नल की, नील की, कोल की, भील की, पिछड़े की, महिला की, सबकी आवाज उठाएंगे, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है, और मछली के बच्चे को कोई तैरना भी नहीं सिखाता। के शर्मा जी का तो सारा समय चला गया हम ही लोगों को कोसने में, कोसते रहिए के शर्मा जी, समय आपका है, कहते ना जमाना है तुम्हारा, चाहे जिसकी जिंदगी ले लो, मगर मेरा कहा मानो तो ऐसे खेल ना खेलो। झटके में हलाल कर दिया। तो आप अगर संविधान खतरे में होगा, आज की डेट में अगर देश की न्याय व्यवस्था खतरे में होगी, देश के इंस्टीट्यूशन संवैधानिक संस्थाएं खतरे में होंगी, और प्रियंका जी ऐसे में अगर संसद में आती है तो निश्चित तौर पर उम्मीद की एक किरण के रूप में आएंगी। उम्मीद, ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
जलवा है हमारा। ओके केके शर्मा जवाब दे रहे हैं आपका, बड़ी देर से उंगली उठा रखी है। सुनिए सुनिए मैं आपको अभी झारखंड वाला बता दूं, केके शर्मा जी एक साथ कह देंगे। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। जहां पर नरेंद्र मोदी जी ये कहें कि रोटी छीन लेंगे, माटी छीन लेंगे, बेटी छीन लेंगे, ऐसी नकारात्मक ऊर्जा के साथ में जिस गजब बेइज्जती है, तो ऐसे आदमी को पिछले 1.5 साल से जो हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान कर रहा हो, और जिसको पूरे के पूरा संघ का प्रचार तंत्र, जिसको सारी चीजें पूरे झारखंड में इन्होंने इस तरीके से गंद मचाया था, मैं लिटरली कहता हूं गंद मचाया था, उसके बाद भी वहां के आदिवासियों वहां की आम जनता ने वहां आदिवासियों के एक बड़े नेता को जिसको जेल में बिना वजह के ठूसा गया था उसके नेतृत्व में कांग्रेस सहित पूरे इंडिया गठबंधन को मेजोरिटी दी। शाबाश मेरे चीते शाबाश। और आज हम उसकी खुशी मनाने गए, आज हम उसके शपथ ग्रहण में शामिल होने गए, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। ठीक है, खुद आपकी बातों में झलक गया, महाराष्ट्र का नतीजा स्वीकार नहीं है, झारखंड का नतीजा स्वीकार है क्योंकि वहां जीत गए। खैर चलिए मैं उस बहस में अब नहीं जाना चाहता, बहुत डिबेट हुई। देखिए मैं छोटा छोटा जवाब आपको देता हूं। अभी इन्होंने प्रियंका गांधी के खूब कसीदे बढ़े, बधाई हो इनकी नेता है, लेकिन हमारी नजर में तो गांधी खानदान का तीसरा विरासत जो है वहां पर फिर आ गया है, तो इनको इसका जवाब विरासत। अबे साले कोडवर्ड में गाली देता है, स्कोर करा के फतवा जारी करा के राजनीति करेंगे आप, यही हैसियत रह गई है। राहुल गांधी को एक पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रवक्ता कहता है, एक प्रवक्ता कहता है कि राहुल गांधी मेरे अजीम सिपाही हैं। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे। बात तो मैं आश्चर्यचकित हुआ, इनको जो है झारखंड की जो जीत है वो तो बहुत अच्छी है, न जवान चला न किसान चला न पहलवान चला, केवल चला तो मुसलमान चला, तो आपकी हैसियत केवल मुसलमानों तक रह गई। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। मेरी मारी तूने, अब देख बत्तरी कैसे बजाता हूं। क्या पूरा देश ये जानता है और समझता है कि बिरसा मुंडा की धरती ने कम से कम आरएसएस के उस नफरती विचारधारा को हरा दिया, जिस नफरती विचारधारा ने और जो दलितों पिछड़ों बहुजन समाज से जो नफरत करने वाली मनवादी विचारधारा है, जिसने जिसने हेमंत जी को जेल से लेकर के और तमाम मनगढ़ंत आरोप लगाए, उसको बिरसा मुंडिया के धरती के लोगों ने, बुद्ध के धरती के लोगों ने उस विचारधारा को हरा दिया और हेमंत जी को एक आदिवासी को आज चौथी बार मुख्यमंत्री बना दिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहुंचे हुए थे और सभी लोगों ने यह मैसेज दिया, धार्मिक उन्माद फैला करके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर पूरे देश को बेकारी के गर्त में, पूरे देश को भुखमरी के गर्त में, पूरे देश को एक उद्योगपति के हाथ के बेचने वाली कुत्सित विचारधारा के गर्त में ढकेल रहे हैं। उनसे लड़ने के लिए अभी भी समाजवादियों के हौसले और बुलंद हैं। क्या साबित करना चाहता है तू, क्या साबित करना चाहता है तू? वो जो एक बात है ना कि स्वरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। तो विद्वान व्यक्ति हैं और मुझे एक बात की खुशी हुई कि कम से कम के शर्मा जैसे नफरती भाई भी हमारे संवाद को सुनते हैं। ये बढ़िया था। इन लोगों ने तो रोटी बेटी माटी सबको बेच दिया था, ऐसे प्रधानमंत्री ने बेच दिया जो 11 साल से खुद प्रधानमंत्री था, और वो आदमी ये कह रहा था कि बांग्लादेशी हमारी बेटियों को उठा ले जाएंगे, ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री है। आपके सामने हिंदू मुसलमान करने की पराकाष्ठा कर रहे, अभी के शर्मा जी झूठों के सरदार निकले, कह रहे हैं कि साहब एक फतवा आया था, कहने लगे कि वो कौन सा पर्सनल लॉ बोर्ड ने हमको एक लेटर दिया था, अरे फर्जी लेटर के सारे जो आपने खुद दिलवाया था। आप इस तरीके की भाषा का उपयोग केस कर दो उसके ऊपर भाई, और सुनिए सुनिए, अरे के शर्मा जी केस करते हैं उसके ऊपर। सर दो मिनट रुक जाइए, दो मिनट, दो दो क्या आपके बीच में, ध्यान रखिए जरा हरी जी, काहे को आप तो झूठ बोल रहे हो, अब आप केस करते हैं उसके ऊपर, आप बोल रहे हैं झूठे, आप बकवास कर रहे आप। ओहो नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा जा रहा, इसीलिए कह रहा हूँ हम आपको बताएं, काली तो गई है ना मुसलमानों ने पोती है, अगर 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 मुसलमानों की काली गई है सऊदी अरब से लेकर के, क्या मानक भाई ये शो आपका है के शर्मा, ये कितना परेशान हो जाते हैं झूठ बोलते हैं, पट्टा से एक शॉट, ये कोई शक नहीं। सर आप झूठ ना बोले, ओके मुसलमानों के, ठीक है ओके, संजीव श्रीवास्तव कौन भोंक रहा है ये बदतमीज। जब 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 नरेंद्र मोदी जी को बोहरा कम्युनिटी के लोग, क्या नाम, सऊदी अरब में लोग कहें कि ये हमारे सिपाही हैं, कौम के सिपाही हैं सबके लिए, तब ये लोग कहते हैं बढ़िया बात, बढ़िया बात हो गई।
अगर हिंदुस्तान का मुसलमान कह देता है तो हमारे सिपाही है तब इनको बड़े पेट में दर्द हो जाता है। मुसलमानों के सिपाही संजीव श्रीवास्तव अब थोड़ा विश्लेषण सुनेंगे हम। Let me up with a bright smile on now.